कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब पूछ करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा ये सब क्या है युवराज? षड्यंत्र शिव षड्यंत्र कैसा षड्यंत्र किसने किया और ये सब है कौन? है तो अपने ही मंजिले का तो न जाने क्यों पराए जैसे लग रहे। बलदेव और उर्मिला शाक्य सीमा पार कुशल कौशल राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके। आप खुश तो है ना? हाँ, हाँ, परंतु ये सब आप इनकी चिंता ना करें मंजिले काका, ये केवल बेसुध। कुछ ही समय पश्चात ये सब आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता मंजिले काका कि अब हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए? दूसरे देश के गुप्तचरों को नहीं, पहले हमें हमारे ही देश के राजद्रोहियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, मैं भाई महाराज से इस विषय में अवश्य चर्चा करूंगा। युवराज, हमें महाराज को भी ये बात बता देनी चाहिए। किसी ने आपके प्राण लेने की नहीं चलना। बिना कारण बात को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। भले ही मंजिले काका को इस बात को महाराज तक पहुंचाने की, परंतु हम नहीं बताएं। सारे हत्यारे असफल हो गए, बलदेव बच गया, हमारी सारी कौड़ियां उल्टी पड़ गई। मंगला, अब एक बात तो निश्चित कि महाराज शुद्धोदन हमारे देवदत्त को कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। अब हमें प्रत्यक्ष सामने आना होगा। कैसे आ रहे? एक रास्ता है, किसी भी प्रकार राजा दंडपानी हमारे हाथ आ जाए। राजा दंडपानी देवदत्त के उत्तराधिकारी बनने का क्या संबंध है? आ रहे संबंध है मंगला। देवदत्त को उत्तराधिकारी बनाने के केवल दो ही रास्ते हैं। राजा दंडपानी की महाकौशल से घनिष्ठ मित्रता है और उनकी सहायता से हम महाराज प्रसन्नजीत तक पहुंचेंगे और फिर उनके साथ मिलकर कपिलवस्तु का राज पलट देंगे। और दूसरा रास्ता?
यशोधरा। यशोधरा? हाँ माँ, जब मैं यशोधरा को देवदाह पहुंचाने गया था तब उसकी जन्म कुंडली देखने कुछ ब्राह्मण गण आए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। बधाई हो महाराज दंडपाणी, राजकुमारी यशोधरा की जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह योग है कि उनका विवाह किसी चक्रवर्ती सम्राट से ही होगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो तो राजकुमारी के ग्रह योग उसे महाराज तो अवश्य बना ही देंगे, अर्थात वो जिससे भी विवाह करेंगी वो महाराज तो अवश्य बन जाएगा। अब कुछ भी हो जाए हमें देवदत्त का ब्याह यशोधरा से करवाना ही के वीर जो युवराज के हाथों पराजित हुए, परंतु यह हुआ कैसे अनुज? भाई महाराज, ये प्रश्न तो आपको हमारे सेनापति जी से पूछना चाहिए। क्षमा चाहूंगा महाराज, युवराज सिद्धार्थ विद्वान होने के साथ साथ एक शूरवीर, तेज और पराक्रमी योद्धा भी। जैसे क्षत्रिय को होना चाहिए। हाँ, उन्होंने मेरा शस्त्र प्रयोग किए ही इन वीरों को परास्त कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, युवराज सिद्धार्थ ने केवल तुम्हें ही नहीं मुझे भी पराजित कर, यदि वो यहां उपस्थित होता तो मैं उसकी पीठ थपथपाता और उसे गले लगा। आज हमारे युवराज बड़े चुपचाप, तुम इनसे कुछ बुलवा दो तो जाने। युवराज, आज तो आपको खुश होना चाहिए, इस उदासी का कुछ तो कारण होगा। आप कहें तो मैं कंठक को रथ पे हाँक दूं, सारे कुमार रंग भवन गए, आप जाना चाहेंगे? रंग भवन? वहां मैं जाकर क्या करूं? अब ना वहां उर्मिला होगी ना वो संगीत, मेरे हृदय की शून्यता को अब कौन भरेगा? श्रवस्ती से मेरे लिए क्या लाए? एक स्वप्न। स्वप्न? कैसा स्वप्न? सिद्धार्थ के राज्याभिषेक का स्वप्न। इस मुकुट में ऐसे रत्न जड़वाऊंगा कि कौशल नरेश प्रसंजित का मुकुट भी इसकी आभा के सामने बुझा दिखाई देगा। जान पड़ता है कि आज आप बहुत प्रसन्न हैं। हाँ देवी, आज मैं युवराज से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आज तुम्हारे पुत्र ने मुझे भी पराजित कर दिया। वो कैसे? हमारे नाक के नीचे से बलदेव को बचाए वो भी अकेले। आज उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो चतुर होने के साथ साथ पराक्रमी भी है। अब समय आ गया है कि शाक्य संघ की परंपरा के अनुसार उसे दीक्षा दी जाए।
शुभ कार्य में विलंब कैसा? शुभ मुहूर्त निकाल के राज्यभिषेक करवा दीजिए। आदि, मैं आज ही कुलगुरु वाचस्पति से शुभ मुहूर्त निकालता। शुभ मुहूर्त तो विवाह का निकालना चाहिए कुलगुरु से। विवाह का मुहूर्त? हाँ महाराज, पहले युवराज का विवाह करवाए, उन्हें गृहस्थ जीवन का आनंद लेने दे, फिर राजनीति का पाठ पढ़ाए और फिर ये मुकुट उनके सर पर रख उन्हें सिंहासन सौंप। वैसे इस समय इस मुकुट का भार युवराज के लिए बहुत ज्यादा होगा ना? आप तो युवराज को अच्छी तरह से जानते हैं ना? जो भी करते हैं शत प्रतिशत करते हैं। अब राजनीति में रम गए तो समझो राजनीति में ही रम गए तो संसार कहाँ याद रहेगा। और वैसे महाराज एक बात का भय भी है कि कहीं राजनीति युवराज सिद्धार्थ को फिर से विरक्त ना बना। और भले आपको दादाश्री बनने की जल्दी ना हो परंतु महादेवी प्रजापति को तो क्या कहना चाहती हो तुम? यही महाराज कि वसंत ऋतु का अवसर है, आयु भी हो चुकी है, यही सही समय है जब हमें युवराज और बाकी कुमारों का विवाह करवा देना चाहिए। क्यों महादेवी? हाँ दी, मंगला दीदी ठीक कह रही है। कुछ दिनों पश्चात वसंत उत्सव है, क्यों ना हम इस उत्सव को युवा उत्सव में बदल दें, जहाँ समस्त शाक्य राजकुल के सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे से मिली, एक दूसरे को पसंद करें और जीवन का एक क्रम पूर्ण हो, विवाह हो। हाँ, और फिर युवराज सिद्धार्थ का राज्य अभिषेक तो कभी भी कर सकते हैं, सिंहासन घर में ही तो है। अब वैसे लगे हाथ अमिता को भी आग्रह पूर्ण निमंत्रण देवदा भेजते, यशोदा की आयु भी तो विवाह के योग्य हो गई है ना? आपने तो मेरे शब्द छीन लिए मंगला दीदी। देव, मंगला दीदी का विचार सराहनीय है। अभी तो केवल शब्द छीने हैं महादेवी प्रजापति, तुम्हारी सारी खुशियां ना छीनू तो कहना, यशोदा को आने दो। महादेवी, 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 आज राज्यसभा में घोषणा हुई कि वसंत उत्सव में मिलने वाली शाक्य परिषद में युवराज सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाएगा। सच? और क्या घोषणा हुई? और ये कि शाक्य राजकुमारों और राजकुमारियों का स्नेह सम्मेलन होगा और राजकुमारियों के लिए चैंबर आयोजित होगा। पर तू क्यों इतना खुश हो रही है? वो इसलिए क्योंकि जिस कामना हेतु आप ये दिए कर रही है ना, वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है। राजकुमारी यशोदरा आ रही है महादेवी, और अमिता दीदी के यहाँ देवदा में निमंत्रण भेजा जा चुका है। रशिका, तुझे पता है मुझे यशोदरा बहुत पसंद है, बस अब ये देखना है कि उसे भी सिद्धार्थ पसंद आ जाए। तो आप एक दिया और कीजिए, क्योंकि आपकी ये इच्छा तो कब की पूर्ण हो चुकी है। क्या, वो कैसे? महादेवी, यशोदरा की आंखों में मैंने युवराज सिद्धार्थ के लिए प्रेम देखा है,
और देवदा जाते हुए कह रही थी कि देखना कुछ ही समय में मैं रानी बनकर लौटूंगी इस कपिलवस्तु में। और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की आंखों में क्या है लौशिका? प्रश्न। वो तो स्वयं नहीं जानते कि उन्हें यशोधरा से प्रेम हो चुका है। वो अब भी प्रेम की परिभाषा ही ढूंढ रहे हैं। वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। बस आपको उन दोनों को एक करना है। लो, अब तो शगुन का घंट भी बज गया। ईश्वर ने भी अनुमति दे दी। अर्थात? यशोधरा को भी साथ बुलाया है। माँ, इतनी प्रसन्न होकर क्या पढ़ रही हो? किसी के विवाह का निमंत्रण आया है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ ले। कपिल वस्तु से आया है। पास ने सम्मेलन में युवा उत्सव का आयोजन भी किया गया। शाक्य कुल के समस्त राजकुमार और राजकुमारी आएंगे वहाँ। और ये भी लिखा है कि हमारे बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए यशोधरा को भी साथ लाना। हाँ। अरे अच्छा, तो तुम अब कपिल वस्तु के राज परिवार की वधु बनोगी? ऐसे कैसे कह सकती हो तू? सुना नहीं, हमारे बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। हमारे बच्चे अर्थात कपिल वस्तु के किसी एक राजकुमार के साथ हमारी यशोधरा की विवाह की बात छेड़ेंगे। बोलो, इसमें हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? वैसे भी वो शाक्य कुलाधीश हैं। देवदत्त से बात चले तो मैं सोच भी सकती हूँ, किंतु सिद्धार्थ के साथ कदापि नहीं। बता दो, युवराज सिद्धार्थ दिखने में कैसे हैं? शब्दों से परे हैं। और उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी है। उनकी आंखें और उनकी मुस्कुराहट, उनकी मुस्कुराहट जो देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। और उनकी वाणी संगीत के सुरों की तरह। सुना था, आज देख भी लिया प्रेम में लोग कैसे गिरते हैं। तुझे अभी बता दूँ। मुझे सिद्धार्थ पसंद है, परंतु मुझे देवदत्त पसंद है। क्षत्रिय दिखाई दे रहा। और आप सिद्धार्थ को देख मानो देवांश। सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार करें राजा दंडपाणि। इधर स्वागत है आपका
कपिलवस्तु में। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ। मैं जानता था तुम मांगकर लेने वालों में से हो। देवदत्त, ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? प्रत्यक्ष तो कोई नहीं, किंतु हाँ परोक्ष अवश्य है। हाँ देवदत्त, ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। देखो सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। कोई है? युवराज के पैर धुलाने का प्रबंध किया जाए। चलो सिद्धार्थ। राजा द्रोणोदन तुम्हारे बड़े गुणगान कर रहे थे, कह रहे थे तुमने एक चीते का सर काट दिया। सुना है तुमने रंगभवन में किसी गणिका और कौशलराज के राजदूत का विवाह करवाया है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात अब तुम प्रेम को समझने लगे हो? हाँ, कुछ कुछ समझने लगा हूँ, पर अनुभूति से वंचित हूँ। अरे गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। तुम्हारे आने की खुशी में। तो अब शब्दों को दृश्य में बदलना सीख लिया तुमने? एक प्रश्न करना है तुमसे। करूँ ना? तुम कह रहे थे कि तुम जान गए हो। क्या? प्रेम को। तो अब बताओ प्रेम क्या है? सच कहा था तुमने, जल से पतला है प्रेम, प्रकाश से तेज है प्रेम, जो आंखों से होता है, जो हृदय से छलकता है, जो बातों में महकता है, वो प्रेम है। प्रेम सब जगह दिखाई देता है। वृक्ष से लिपटी इन लताओं को देखो, हरी झाड़ी और सरोवर में प्रेम, हंसनी के पीछे हंस का चलना प्रेम, वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करना भी प्रेम। अब ये मेंढकों का टर टर बंद करो और कहो ये प्रेम यदि मनुष्य में हो तो? निर्भय हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हो?
हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी मित्र जो। और कुछ नहीं? और क्या गोपा? गोपा, हंसते हंसते भाग जाते, कभी रोते रोते भाग जाते। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम चाहती क्या? यशोधरा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या युवराज सिद्धार्थ ने कुछ कहा? कुछ नहीं। मैं आपको बचपन से जानती हूँ, बताइए क्या बात है? कुछ कहते ही नहीं, जो शब्द मैं सुनना चाहती वो शब्द उनके मुख से निकलते ही नहीं। क्या सुनना चाहती हैं आप? यही कि तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और हमारे युवराज क्या बातें करते हैं? वृक्ष की, लताओं की, सरोवर की, बारिश की, मौसम की, मेंढक की, ज्ञान की और केवल ज्ञान की बातें। प्रेम की तो जैसे कोई अनुभूति ही नहीं है उन्हें। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या आप आइए तो सही, आइए। पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप आइए, आइए। शब्द ये तो मेरी प्रतिमा है, ये किसने बनाई? युवराज ने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अनुभूति को शब्दों में नहीं कह पाते, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि वो प्रेम नहीं करते। युवराज तो स्वयं नहीं जानते कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। सच? हाँ, अन्यथा ये प्रतिमा कैसे बनती? युवराज के हृदय मंदिर में आपके सिवा और कोई नहीं है। शाह के संघ को इस बात की अपार प्रसन्नता है कि आज उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति
संघ का सदस्य बनने जा रहा है, जिनका लोक चाहन इतना अधिक है कि उनकी उपस्थिति से संघ उत्साहित होगा और सदैव गौरव अनुभव करेगा। मैं शाक्यकुल नरेश महाराज शुद्धोदन के ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। क्या इनकी सदस्यता सबको स्वीकार है? तो क्या यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? युवराज सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनने की बधाई हो। बधाई हो युवराज, बधाई हो। सिद्धार्थ गौतम, आज तुम्हें इस बात का गर्व होगा कि शाक्य संघ ने तुम्हें सम्मानित किया। मैं शाक्य संघ का आभारी हूं। संघ के सदस्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम्हें संघ के लिए सदैव उपस्थित रहकर तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। मैं ये वचन देता हूं, मैं पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन करूंगा। किसी भी शाक्य सदस्य का दोष पता चलने पर तुम संघ को उसके बारे में सूचित करोगे। स्वयं का दोष प्रमाणित होने पर दंड स्वीकार करना पड़ेगा। व्यभिचार करने पर, हत्या अथवा चोरी करने पर तुम संघ के सदस्य नहीं रहोगे। मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। मैं शाक्य कुल के सभी नियमों का सदैव पालन करता हूं। शाक्य कुल पर आने वाली सभी विपत्तियों का सामना करता हूं। आज तुम इस संघ के सदस्य बने हो, कल इसी संघ के शिरोमणि भी बनोगे और हम शाक्यों का नाम संपूर्ण भारत वर्ष में पूछेंगे। मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना है। आप अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ जानते महाराज? जानता और समझता भी हूं महामंत्र। हम यज्ञ करके एक अश्व को छोड़ देंगे जिसके साथ कौशल की सेना होगी। तो अश्व जिस देश में विचरण करेगा उस पर हमारा आधिपत्य होगा। जो देश उसे रोकेगा उससे मंत्रणा होगी। यदि वो हमारा आधिपत्य माने तो ठीक, अन्यथा युद्ध होगा। किंतु महाराज, कौशल की सीमा के एक ओर मगध
तो दूसरी ओर लिच्छवियों का संघ राज वैशाली बड़े राज उनसे शत्रुता करना हमारे लिए हितकारी नहीं होगा महाराज। हम उनसे शत्रुता नहीं करें और हमारा अश्व उस दिशा में गया तो अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अश्व वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे। मैं तो समझा नहीं महाराज। ये हमारी सेना और ये उनकी सेना, परंतु हमारे सबसे निकट शाक्यों का गणराज अरश सबसे पहले शाक्यों के देश कपिलवस्तु जाए। अश्वमेघ के अश्व को देख राजा शुद्धोधन हमसे संधि कर ले तो ठीक, नहीं तो हमें युद्ध करने का कारण मिले और हम तलवार की धार से कपिल वस्तु को जीत और समस्त शाक्य देश हमारा हो जाए। हमारा शाक्यों की सेना मिलने के बाद हमारी सैन्य शक्ति भी स्वागत और वैशाली जितनी शक्तिशाली हो जाए। क्यों महामंत्री? मिल गई। क्यों ढूंढ रही हो? एक शुभ समाचार जो देना है। मैंने महाराज और महादेवी को आपके और युवराज सिद्धार्थ के विवाह की बात करते सुना है। अब समझ में आया। अच्छा, क्या समझ में आया? कि आप हर दिन बिना भूले यहाँ दाना डालने क्यों चली आती हैं? नाम इन पंछियों का और मिलन युवराज से। अरे तो सच सच बताइए, आप यहाँ युवराज की प्रतीक्षा कर रही थी ना? जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? इतना ही समझती हो तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो? जाओ यहाँ से। अरे जाओ। हमारे बच्चे सिद्धार्थ, देवदत्त और यशोधरा कब बड़े हो गए पता ही नहीं। अब हमें उनके विवाह के बारे में सोचना है। अमिता दीदी, यशोधरा के विवाह के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो नहीं, पर हाँ कोई योग्य वर मिले तो। यशोधरा के लिए वर खोजने की क्या आवश्यकता? वर तो यही है कपिल वस्तु में हमारा। देवदत्त, कहना चाह रहे थे ना महाराज? मैंने तो पहले से इनसे कह दिया कि जब अमिता दीदी आएंगी मैं उनसे ये बात जरूर छेड़ूंगी। हमने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि आप हमसे देवदत्त के बारे में ही बात करेंगे। सच कहा। वैसे भी बड़े भाई का विवाह होगा तब जाकर ही छोटे भाई का विवाह होगा, है ना? और महाराज के लिए तो सिद्धार्थ और देवदत्त, इनकी दो आंखें। और सच कहूं महाराज, देवदत्त के बारे में पहले सोचते। आप बैठे क्या हैं?
उठिए, महाराज और महादेवी से आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ हाँ सबके सब बस दाना चुगे जा रहे हो। है किसी को मेरी परवाह? है कोई जो जाकर युवराज को बुला लाए? आ गए। पता है तुम्हें, इस समय हमारे परिवार वाले हमारे विवाह की बातें कर रहे हैं। यही शुभ समाचार सुनाने तो मैं यहाँ आया। देवदत्त और यशोधरा का विवाह। Ha 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 ha.